उसके बारे में जो वोट लगाना पंचायत वोट बाकी पैसे से जाएंगे। विश्वविद्यालय और हमारा कृषि विश्वविद्यालय शबौर और 6 कॉलेज हमारे कृषि महाविद्यालय और 20 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और हमारे 12 कृषि अनुसंधान केंद्र हैं। सबों से जुड़ करके हम लोगों ने बड़ा ही विस्तार से और वर्तमान वैश्विक कोरोना महामारी में जो कृषि कार्य के प्रति उनकी जिम्मेदारी है उसकी हमें जानकारी फीडबैक लेने का काम किया है और बदलते मौसम के अनुकूल खेती कैसे हो और टिड्डी का प्रकोप है उस पर हमने चर्चा की है जाकर के और शासन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया है उससे हम किसानों को लाभ कैसे पहुँचाएँ इन तमाम बिंदुओं पर बड़ा ही विस्तार से हम लोगों ने और किसानों के साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग करने का भी काम कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्रों पर महिलाएँ मास्क बनाकर किसानों को बांटने का काम कर रहे हैं, किसानों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आज कृषि विश्वविद्यालय शबौर के भाई चांसलर, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, कृषि अनुसंधान करके वैज्ञानिक और सभी प्राचार्य जो हमारे शिक्षक थे सबसे हमारी रूबरू बात हुई जा करके है और हमने कहा है कि अभी तो जो आपने काम किया है उसको जनता में ले जाइए। अब आगे क्या प्लानिंग है, कोरोना की लड़ाई लंबा है, कोरोना में उनको जीना है, ज़िंदगी का स्टाइल बदलना होगा, काम धाम करने का तरीका बदलना होगा। इस पर बहुत ही विस्तार से बातचीत हुई है और हमारी प्राथमिकता थी खरीफ का मौसम है उसमें हमारी तैयारी चल रही है। 33 लाख हेक्टेयर में धान की खेती करेंगे और 4.5 लाख हेक्टेयर में हमारा मक्का की खेती होगी, 1 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसलों का, 50,000 में तेलहनी फसलों का। उस तैयारी के दृष्टिकोण से सभी जो उपादान हमारे हैं, खाद हैं, बीज हैं, दवा की तैयारी कर लिया है और कृषि वैज्ञानिकों को हमने कहा है खरीफ का मौसम किसानों मौसम का खेती करने की हमारी जो प्लानिंग है उस पर हमारे कृषि वैज्ञानिक मदद से हल कर।